Good morning everyone. Today our period is drawing and topic is creative drawing. बच्चों आज हम नोटबुक के अंदर एक क्रिएटिव ड्राइंग ड्रॉ करेंगे और उसमें वाटर कलर करेंगे. ओके हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 15 के ऊपर जो क्रिएटिव ड्राइंग दिया हुआ है वही आज हम नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. सो ओपन योर नोटबुक कंटिन्यू पेज. तो देखो बच्चों यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 15 के ऊपर जो क्रिएटिव ड्राइंग है वो ड्राइंग हमें कलर के साथ कंप्लीट दिया हुआ है, उसे हम नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. तो नोटबुक में ड्रॉ कैसे करना है, देखो यहाँ पे जो टॉपिक है टॉपिक से रिलेटेड ड्राइंग का कंपोजिशन कैसे किया है, टेम्पल, ट्री, सन, रिवर, लैंड, क्लाउड, बर्ड्स, स्मॉल ट्री, ओके, वो सारे सब्जेक्ट को कंपोजिशन अरेंज कैसे किया है वो हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है और हमें नोटबुक में ड्रॉ करना है. ओके तो स्टार्ट करते हैं नोटबुक में ड्रॉ करना. तो पहले आपको 16x18 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल लेना है. 16x18 सेंटीमीटर स्टैंडिंग मेज़र हमारा रहेगा 18 सेंटीमीटर और स्लीपिंग मेजरमेंट रहेगा हमारा 16 सेंटीमीटर. ओके आपको हेडिंग लिखना है और आज की जो डेट है वो डेट मेंशन करनी है. तो पहले हमें टेम्पल ड्रॉ करना है. ऐसे पहले लाइन बना देनी है फिर ऊपर की टॉप साइड बना देनी है. अब हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. पहले लाइट लाइट ड्रॉ करना है फिर बाद में ही परफेक्ट आउटलाइन हम बना देंगे. देखो यहाँ पे अब नीचे ऐसे लैंड तो आपको धीरे से ऐसे अब ट्री बनाना है. तो ट्री के लिए पहले सेंटर में लाइन बना देनी है. स्केल रख के भी आप यूज़ कर सकते हैं और लाइन बना सकते हैं. ऐसे ट्रायंगल लाइन बनानी है हमें. फिर टी बनाना है यहाँ पे. सेकेंड साइड बनानी है. यहाँ पे स्टोन बनाएंगे. ऐसे स्टोन बना देना है. टेक्स्ट बुक में से देख के आपको अंदर जो है वो ध्यान से बनाना है. ऐसे ट्री के अंदर की पैटर्न बराबर इतना हो गया. यहाँ लाइन के ऐसे पैटर्न कर देनी है, लाइन बना देनी है. अब रिवर तो यहाँ पे ऐसे मतलब ये रिवर की लाइन यहाँ पे बन गई. यहाँ पे ऐसे कर देना है. ऊपर की साइड रिवर बना देनी है डबल बॉर्डर. देखो यहाँ से ऐसे माउंटेन बनाना है. बाद में हमें जो लाइन की जरूर नहीं है वो लाइन हम बाद में इरेज कर देंगे. बराबर देखो त्री के अंदर से लाइन पास हो रही है वो इरेज कर देना है. इतना हमारा हो गया. यहाँ पे क्लाउड बना देंगे. टेक्स्ट बुक में हमें दिया हुआ है मीन्स पूरा ड्राइंग हमें टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व करके ही हमें नोटबुक में अरेंज कर देना है. यहाँ की लाइन की ज़रूरत नहीं है वो इरेज कर देनी है.
चलो अब यहाँ पे सन, परफेक्ट आउटलाइन में बना लेंगे। अंदर जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको बना लेने हैं, बराबर ऐसे ट्राइंगल। यहाँ पे एक बर्ड का ड्राइंग दिया हुआ है ऐसे। ऐसे हमें यहाँ पे जो बर्ड की ज़रूरत नहीं है वो बाद में इरेज कर देंगे, क्योंकि स्पेस यहाँ पे थोड़ी ही है, तो यहाँ पे एक स्मॉल बर्ड बना लेंगे हम, छोटा वाला बर्ड्स। ज़रूर नहीं है टेक्स्ट बुक में 3 बनाया है तो हम भी 3 ही बनाए, बराबर हम 2 भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 बर्ड्स बनाओगे तो भी चलेगा। ऐसे देखो बच्चों, ऐसे हमारा ड्राइंग पेंसिल आउटलाइन में कंप्लीट हो गया। अब हमें उसमें कलर करना है। हमें टेक्स्ट बुक के अंदर कलर के साथ ड्राइंग दिया हुआ है, तो अब टेक्स्ट बुक में लिखेंगे कलर कैसे किया है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम कलर करेंगे। पहले यहाँ पे स्काई ब्लू कलर आपको कर देना है। अगर सेम कलर बनाना है तो स्काई ब्लू प्लस लाइट ग्रीन, ओनली 1 2 डॉट्स लाइट ग्रीन और प्लस वाइट। स्काई लाइट ब्लू लाइट ग्रीन प्लस वाइट कलर बना मिक्स करके यहाँ पे स्काई में जो कलर बनता है वो कलर यहाँ पे स्काई में करना है। अभी सन में येलो कलर, फिर माउंटेन के अंदर ब्राउन कलर जो होता है वो ब्राउन कलर से पहले हमें फ्लैट कलर कर देना है, फिर उसके ऊपर कलर से ऐसे डॉट करना है। अब यहाँ पे कलर करेंगे 3 के अंदर, तो पैरोट ग्रीन कलर, यहाँ पे पैरोट ग्रीन के अंदर वाइट प्लस करना है। अगर आपके पास अपने डिश में ऑलरेडी येलो कलर लिया हुआ है बराबर, तो येलो के अंदर ही वाइट प्लस कर देना है और 1 2 ड्रॉप्स पैरोट ग्रीन कलर मिक्स कर देना है, वो कलर यहाँ पे फ्लैट कलर 3 में कर देना है। फिर जो लीव्स बनाए हुआ है ऊपर वो हमें स्केच पेन से करना है। ऐसे हार्ट शेप में लीव्स बनाया हुआ है देखो, वो हम स्केच पेन से करेंगे। रिवर में फ्लैट कलर स्काई ब्लू कलर, यहाँ पे जो कलर आपने स्काई में किया है वही कलर के अंदर ऑलरेडी हमारे कलर डिस में है, उसमें ही वाइट प्लस करके जो लाइट कलर बनता है वही कलर यहाँ पे कर देना है, और सेम वही कलर हम टेम्पल में कर देंगे तो भी चलेगा। और अगर हमारे पास ऐसा कलर अभी भी डिश में बचा है तो उसमें पर्पल कलर थोड़ा सा लेके 1 2 ड्रॉप्स कलर लेना है पर्पल का, और कलर में मिक्स करने के यहाँ पे जो लाइट कलर बनता है वो लाइट कलर यहाँ पे टेम्पल में कर देना है। ऊपर जो टेक्निक बनाई है वो टेक्निक अगर आप स्केच पेन से करना चाहो तो लाइट स्केच पेन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेम कलर येलो कलर और उसके ऊपर स्केच पेन से टेक्निक की हुई है बच्चों। देखो नॉर्मली यहाँ पे 3 4 कलर ही यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसे डार्क लाइट बना के ही पूरे ड्राइंग के अंदर कलर कर देना है। वापस एक बार मैम बताते हैं, देखो येलो कलर कितनी सारी जगह पे येलो कलर ही किया हुआ है। देखो यहाँ पे येलो रेड
येलो रेड बर्ड में, यहाँ पे येलो रेड लैंड के अंदर, यहाँ पे जो ब्राउन है ब्राउन के अंदर व्हाइट प्लस करके कलर को लाइट बना दिया है, वो कलर यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे लैंड में भी येलो कलर कर दिया है। रिवर के अंदर यहाँ पे स्काई में जो कलर था वही कलर उसमें व्हाइट प्लस करके रिवर में कलर कर दिया, और वही कलर के अंदर पर्पल कलर या फिर ब्लू कलर व्हाइट के साथ मिक्स करके जो कलर बनता है लाइट कलर वो यहाँ पे कर देना है। मीन्स बच्चों आपको जो कलर दिया है वो सेम बनना ही चाहिए और सेम ही कलर करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपको अपने हिसाब से थोड़ा इनोवेटिव और नीट एंड क्लीन वर्क करना है। समझ में आया कैसे कलर किया हुआ है? पहले आपको वाटर कलर कर देना है और जहाँ पे टेक्निक की हुई है वो टेक्निक आप स्केच पेन से या फिर वाटर कलर से भी कर सकते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? आपको पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ में से देख के आपको अच्छे से ड्रॉ करके कलर करना है। थैंक यू।